को दिखा देते हैं हम लोगों को कहाँ पे आना था। यहाँ पे अब देख सकते हैं, सस्पेंस नहीं रख के दिखा दिए, कुछ रिव्यूज़ नहीं देंगे। आज मैंने थोड़ा सा अलग ट्राई किया, पिछले दिन आके थोड़ा अलग ट्राई किया था, आज थोड़ा सा ट्राई किया। आज चिकन पकौड़ा को ऐड रखा है बिकॉज मेरे भाईजान ने बोला था कि वो वाला खाना है उसको। एक चॉप भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन फ़िश फ्राई मेरे को ट्राई करना था, क्योंकि मेरे को बोला, मतलब मेरे दोस्त यार के अंदर बोला कि फ़िश फ्राई ट्राई करना यहाँ का बहुत अच्छा होता है, तो वाई नॉट, फ़िश फ्राई ट्राई करना चाहिए, ट्राई कर लिए। अगर बाकी पेट में कुछ जगह रहता है, इसका तो पेट में जगह ही है नहीं, मतलब पूरा ख़त्म हो चुका है ये, तो अब तक वो फ्राई कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ना लोकेशन दिखा देता हूँ, बिकॉज पिछले बार ना आप लोगों को लोकेशन पहचानने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, लोकेशन पहले देख लो, मैं बता देता हूँ आपको। तो भैया लोकेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ कि गोड़ियाहाट फ्लाईओवर होके अगर आओगे आप लोग, तो फ्लाईओवर उतरते ही यहाँ पे आपको जो है गाड़ी आगे जाके इस साइड पे जाके अगर पार्क करना है तो इस साइड पे जाके पार्क करो और यहाँ से चलते हुए चले जाओ डायरेक्टली यहाँ पे जाके आपको, ये देखो वहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा होके वहाँ पे, और लैंडमार्क मैं बता दूँ यहाँ पे जो है रामकृष्ण मिशन मतलब लाइब्रेरी है, उसके ठीक ऑपोजिट में आप लोगों को देखने मिल जाएगा। सो अब आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, और मैं गूगल मैप का लोकेशन दे रहा हूँ ताकि पिछले बार की तरह मेरे को बोलना मत कि नहीं मेरे को समझने में प्रॉब्लम हुआ, ठीक है पहले बता दो। तो ये आप देख लो यहाँ पे एक चौक अंकल ने जो है पूरा डिवाइड कर दिया है, मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे देख लो यहाँ पे, तो उनका डिवाइड कर दिया है। ये एक चौक है जो आधा काटा हुआ है, ये चिकन उन लोगों ने पूरा लिया था बिकॉज खाना ज़्यादा था नहीं, और ये फिश फ्राई है, सो रिव्यू नहीं आएगा आज। सारा रास्ता ऐसा ऐसा करते करते यूनिक कमेंट लगा हमको, देख पढ़ के लगा कि हाँ चलो यूनिक है, ये बात है। लेकिन हल्का हो चाहे भारी हो, अगर तेरा आदत है तो ते उठा लेगा, बहुत किसी का रहता है भाई डेढ़ डेढ़ दो दो के जी का, उसमें तो कुछ भी नहीं है, तेरा कितना 250-300 ग्राम का हार्डली होगा कैमरा, और तेरा इसका होगा 200 ग्राम, मतलब आधा किलो का सामान है। लेकिन तेरा अगर 10 मिनट ऐसे पकड़ लेगा तो तेरा हाथ दर्द करे, है ना, फिर हाथ दर्द करने लगेगा, ठीक है। अब सब कुछ इतना ईजी नहीं होता, अभी जो अंदर रिश्ता ट्रेन का अंदर जाके काम कर रहा वो लोग क्या बोलेगा, हम लोग का ये बहुत भारी है, मतलब हम लोग का काम बहुत ज़्यादा रिस्की है, नहीं अब वो लोग का से तो अच्छे ही काम कर रहे ना भाई हम लोग का। अच्छा यहाँ से देख चोरी का चक्कर दे, यहाँ से यहाँ दोनों जगह में और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, देख रही इधर से देख इधर से ये वाला बना के रखा है ताकि यहाँ पे कोई चोरी नहीं कर रखा, मतलब जो बनाया हम लोग को भी पता है भाई छोटा इंडिया, इंडिया में चोरी बहुत जल्दी हो जाएगा, लगा दे ना इतना मैसेज किस बात का, उससे ज़्यादा हमको ना जीमेल का ही मैसेज आता है सारा दिन में, मेल सारा दिन इतना मेल आता है हमको तो समझ में नहीं आता, इतना हमको व्हाट्सएप में भी कोई मैसेज नहीं करता, फेसबुक में तो मैसेज ही नहीं आता, हमको तो भूल ही गया फेसबुक में मैसेज नाम का कोई चीज़ होता था पहले, आएगी जब नया खुला था तब बहुत लगता था कि हाँ फेसबुक में मैसेज करेंगे, दोस्ती करेंगे सबसे, कुछ नहीं तो अपना स्कूल ही का दोस्त को मैसेज कर दे हाय ब्रो हाय ब्रो, अभी पता ही नहीं है कौन दोस्त कौन, ये सब फ्रेंड लिस्ट में है, लेकिन किसी को एक दूसरे से कोई आन पहचान नहीं, अपने ही में सब अपने ही में, फिर यार बजा जोर बजा आज जोर हॉर्न बजाओ, आज जोर हॉर्न ट्राम कॉम्पैक्ट कर दिया, देख रहा कॉम्पैक्ट ट्राम, ये देख रहे ट्रेन नहीं है वाला, ये कॉम्पैक्ट ट्राम है, जूम करो थोड़ा,
कॉम्पैक्ट था। चल हम लोग पकड़ ले अराउंड घर जाते जाते 5-5.5 किलोमीटर तो नहीं होगा, 3-3 किलोमीटर आना जाना ठीक है, और घर जाते जाते मतलब वहाँ पे 1 किलोमीटर पकड़ लें, मतलब 8 किलोमीटर चल लिए, सही है, पैसा भी बच गया, मतलब ऐसा कुछ पैसा नहीं बचा, 10 रुपये करके बचा है बट कुछ तो बचा। मेरा पापा बोलता है 2 रुपये भी बचा ले तो बहुत बड़ा बात है, चलो हम लोग 10 रुपये बचा लिए, मल्टी टैलेंटेड। एक बार क्या हुआ ना, एक तो लड़का हम रास्ते से जा रहे हैं ठीक है, वो पूछ रहा है भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं, हाँ भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं, बोला भाई दीजिए ना आप सब्सक्राइब करें, अब सब्सक्राइब करें, अब सब्सक्राइब करेंगे, वो उस मोटिव से था कि वो वीडियो में आ जाए ठीक है, तो वही मोटिव से वो आया था। अभी उसका बेचारा का इतना किस्मत ख़राब कि जो मोटिव से आया इसका वो मोटिव नहीं हुआ, हम चाहे मतलब मेरा दिल से भी तमन्ना था कि चलो उसका मोटिव है वीडियो में आए ना, वो वीडियो में आ जाए ठीक है, लेकिन उसका किस्मत इतना ख़राब था कि मेरा वीडियो जो था वो टाइम लैप्स में था टाइम लैप्स चल रहा उस टाइम में, वीडियो शूट ही नहीं हुआ था उस टाइम टाइम लैप्स में, हम टाइम लैप्स भी दे दिए लेकिन टाइम लैप्स भी इतना स्पीड में था ना भाई कि उसका शक्ल तक नज़र नहीं आया ठीक से, सिर्फ इतना नज़र आया उसका फ़ोन लेके हम जो है टाइप कर रहे हैं मेरा अकाउंट मतलब मेरा आईडी, उसका हल्का सा झलक आया थे, इतना किस्मत खराब। रास्ते में कभी देख लियो आ जाइए वीडियो में ले लेंगे, इतना भी दिल का ख़राब नहीं है, दिल का बहुत अच्छा है, एकदम दिल से एकदम अच्छा से, आज बहुत ज़्यादा चलना हो गया, थक गया, अभी थकान मिटाने के लिए तो कुछ चाहिए होगा ना, थकान मिटाने के लिए क्या चाहिए होता नॉर्मली, एक बाइक राइड। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बोलने वाला था कि थकान मिटाने के लिए एक बाइक राइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि हम लोग बाइक राइड नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं करने वाले, रास्ता में ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है क्योंकि इतना गाड़ी कब आके कहीं से उड़ा देगा, देखो देखो कब आके सामने से उड़ा देगा, ख़त्म, उसको पार कर जाते, लस्सी हो जाओ भाई आज बना दे दो, पहला बार पहला बार। अरे खाने का जो चक्कर था अभी का मेरे भाई के साथ वो ख़त्म हुआ अभी लस्सी से, और दोनों का जो है पेट भर चुका है, मेरा भी पेट भर चुका है, इसका तो बहुत पहले से ही भरा हुआ था, इसका हाउसफुल ही था ऑलरेडी, और अभी आई होप आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आ रहा होगा, सो बेसिक तो आप लोगों को क्लियर आ रहा होगा, क्योंकि ये जो जगह है ये जगह बहुत शांति है, ज़्यादा चींचा नहीं है, ऑल दो इसका ऑपोजिट अगर मैं जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा चींचा हो जाएगा बिकॉज ये पूरे मेन रोड के ऊपर है, बट फॉर्चुनेटली ऐसा जगह है जहाँ पे बिना माइक के और घर पे ना रहते हुए भी हम लोग व्लॉग बना सकते हैं, बट थोड़ा सा ही है मतलब हार्डली 200-300 मीटर होगा, यहाँ पे भी खींचा होता है थोड़ा बहुत तो गाड़ी घुसता है, बिकॉज ये वाला जो है ना शॉर्टकट एरिया है, तो शॉर्टकट से जिसको इसको शॉर्टकट होता है बहुत टाइम ना गाड़ी घुसा देता है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं जगह का ये रास्ता का कितना ये होगा, एक अगर SUV घुस गया तो फिर वो मतलब घुस तो जाएगा लेकिन वो ना इस साइड से निकल पाएगा ना उस साइड से निकल पाएगा, पूरा बैक करना पड़ेगा उसको, सो वो हो सकता है हैचबैक या फिर सेडान घुसता है तो बहुत प्रॉब्लम से निकालेगा बिकॉज ज़िगज़ैग रास्ता है, अब देखिए ये एक आता है ज़िगज़ैग ऐसा आता है फिर यहाँ से कट होके यहाँ पे जाता है, तो थोड़ा ज़िगज़ैग रास्ता है, अगर ड्राइवर कैली वाला है तो SUV और हैचबैक निकाल लेगा आराम से, ऐसे बोलते हैं ना कि ड्राइविंग में गाड़ी मैटर नहीं करता, ड्राइविंग में मैटर करता है स्किल, ड्राइवर का स्किल मैटर करता है, ऑल अबाउट स्किल हेयर। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं बिकॉज दोनों जो है हम लोग घर में जाके अभी एकदम लम्लेट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, और मेरे को तो शाम में भी निकलना है, तेरे को शाम में निकलना है कहीं पे, मेरे को तो
उसका तो निकल गया, मेरा प्लान अभी भी बाकी है। हाँ भाई, हाँ भाई, तो शाम में भी निकलना है मेरे को, सो तो शाम में भी निकलना है, तो उसके लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस कोट पे मैं कोट देखो बोलते होगा, मेरे को सिखा दे रहे हैं, सुन लो, खुश रहिए, खुश रहिए, हम सिखा दे रहे हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में इसको लाना पड़ेगा, ठीक है, याद करके आना मेरे ब्लॉग में आने से पहले, ये लिख के रखना, कमेंट बॉक्स में बोल देना, अगर कमेंट करेगा ना तेरे को लेने पड़ेगा, बोल दे, खुश रहिए, खुश रहिए, कैमरा में देख के खुश रहिए, आबाद रहिए, आबाद रहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए, बिल्कुल अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, शब्बा खैर।